सिर्फ हफ्ते में दो बार फ्रेंड्स ऐसे ही आलू के फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा के देखिए, आपकी स्किन ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेंगे। खाने में हम लोग आलू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमारे सबके किचन में आलू रहता ही रहता है। उस एक आलू से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन हो जाती है, उसके साथ साथ हमारे कम्प्लेक्शन धीरे धीरे लाइटन होता है। और उसके साथ अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है या कोई भी डार्क स्पॉट है उसको भी कम करता है ये आलू का जूस। इस आलू को जूस को कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से, वही मैं शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेड ग्लो विद पोम्पा में, मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल पे। आलू के इस रेमेडी के लिए हमें पहले चाहिए आलू, और आलू को देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, इसीलिए धोना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद मैंने पील ऑफ कर लिया है, एंड पील ऑफ करने के बाद भी मैंने इसको धो लिया था। एंड उसके बाद इसको क्या करना है इसको ग्रेट, आप लोग मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को चाहिए यहाँ पे आलू का जूस। यूवी रेस के वजह से हमारी स्किन में अगर सन डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करता है आलू का जूस। उसके साथ साथ एजिंग के जो साइन है उसको कम करते हैं, हमारे कम्प्लेक्शन को ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे स्किन में अगर ब्लेमिशेस है उसको भी कम करता है आलू का जूस। तो एक आलू के जूस में बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी। अगर आप लोग इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। रेमेडी को जरूर अप्लाई कीजिए, उसके बाद रिजल्ट कैसा मिला है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए आलू का जो जूस है उसको मैं छान के ले रही हूँ। अब आलू का ये जूस ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और ये जो पोटैटो रह गया है इसको आप लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे इसकी आंखों के नीचे पफिनेस भी आ जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये आलू का जूस। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, पहले फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मैंने इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले अपने फेस को क्लीन कर लिया था, एंड उसके बाद एक पैक ब्रश के मदद से मैं पूरे फेस में ये आलू का जो जूस है उसको मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करूंगी। बहुत अच्छे से ही इसको अप्लाई करना है ताकि ये पूरे फेस में पेनिट्रेट हो जाए, बहुत अच्छे से हमारे फेस के ऊपर काम कर पाए। और के फेस में लगाने के साथ साथ देखिए मैं आंखों के नीचे भी इसका अप्लाई कर रही हूँ ताकि अंडर आई डार्क सर्कल कम हो जाए, अगर आंखों के नीचे पफिनेस है वो भी कम हो जाए। ये रेमेडी दो स्टेप में होगी, इसीलिए स्टेप नंबर वन में ऐसे ही अप्लाई करना है आलू के जूस। तो ये आलू का जो जूस है ये बहुत थिन होता है, इसीलिए आलू के जूस को मैं री अप्लाई किया है, मतलब एक बार थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा सा जब सूख जाए उसके बाद दोबारा इसको अप्लाई करना है। एंड देखिए मैंने ऐसे पूरे फेस में बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। 6 to 7 मिनट तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। आलू का जूस लगाने के बाद हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 6 to 7 मिनट तक, एंड उसमें जो उसका काम होता है आलू का जूस का वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। एंड 5 to 7 मिनट के बीच में ही ये आलू का जूस बहुत अच्छे से सूख जाएगा, एंड उसके बाद एक गीले क्लेंजिंग वाइप के मदद से हम फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकेंड स्टेप में। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, 1 टीस्पून आप लोगों को यहाँ पे लेना है बेसन, और उसके साथ हम लेंगे यहाँ पे दही। दही बहुत अच्छा काम करता है हमारे स्किन के ऊपर, एजिंग के साइन आने से रोकता है, उसके साथ साथ इसमें लैक्टिक एसिड होती है तो हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है। यूवी रेस के वजह से हमारे स्किन में अगर कोई भी डैमेज होती है तो डैमेज को भी रिपेयर करता है लैक्टिक एसिड, मतलब ये कार्ड। दही भी मैंने 1 टीस्पून ही यहाँ पे यूज किया है, एंड उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 5 to 6 ड्रॉप्स लेमन जूस। हम लोग पोटैटो ग्लो फेशियल कर रहे हैं, हमारी स्किन से पूरी टैन हट जाए, हमारी स्किन में ग्लो आ जाए, इसीलिए हम लोगों को आज लेमन जूस यहाँ पे यूज़ करना ही है। तो लेमन जूस को स्किप मत कीजिएगा, तो लेमन जूस 5 to 6 ड्रॉप्स यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पोटैटो जूस। पोटैटो जूस मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यूज़ किया है ताकि फेस पैक बहुत ज़्यादा थिन ना हो जाए। अगर हमें बाद में चाहिए तो हम लोग फिर से ऐड करेंगे पोटैटो जूस थोड़ा सा। एंड लास्ट फाइनली हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून हनी।
तो इसको मिक्स करने के बाद हम लोग एक फेस पैक रेडी करेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि यहाँ पे कोई भी लम्स ना रहे फेस पैक के अंदर। बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि हनी आप लोग के स्किन में सूट नहीं करता है। अगर हनी आप लोग के स्किन में सूट नहीं करता है तो यहाँ पे आप लोग हनी के जगह पे ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा 1 टीस्पून। तो रेडी हो गया हमारा इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक। ये फेस पैक अमेजिंग काम करता है हमारे फेस के ऊपर, हमारे स्किन को लाइटन करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन करता है, हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को हटाता है, सन टैन को हटाता है, स्किन से एजिंग के जो साइन आते हैं उसको भी कम करते हैं। अब ऑल ओवर फेस में हम लोग इस फेस पैक का अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस फेस पैक को रख देंगे अपने फेस के ऊपर मिनिमम 15 मिनट तक। यहाँ पे हम लोग दही का यूज किया है तो ये फेस पैक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला में है तो ये फेस पैक ड्राई नहीं होगा। बहुत आसानी से ये फेस पैक आपके स्किन के ऊपर रह जाएगा 15 मिनट तक। इस फेस पैक को बहुत अच्छे से एक थिक लेयर में ही अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार अगर आप लोग इस रेमेडी को कर सकते हैं तो आपके स्किन में कभी भी टैन नहीं रहेगा, आपके स्किन कभी भी डल नहीं दिखेगा। अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, उसके साथ साथ आपके स्किन से एजिंग के जो साइन है वो भी कम होता जाएगा, रिंकल्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुका था, मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज किया 1 से 2 मिनट ताकि ये पैक बहुत आसानी से रिमूव हो जाए एंड उसके बाद एक क्लेंजिंग वाइप के मदद से मैंने फेस से अपने फेस पैक को रिमूव कर लिया है एंड उसके बाद पानी से बहुत अच्छे से फेस को धोने के बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर का अप्लाई किया है। मैंने इस रेमेडी को रात में यूज किया है इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर का अप्लाई किया है। अगर आप लोग दिन में करते हैं तो सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर जरूर कीजिएगा। रिजल्ट कैसा मिला है वो आप लोग देख पा रहे हैं तो मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला था और हमेशा मिलता है। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।